मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मौजम खान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और हाल ही में हुए सैयद मुकर्रम अली के कत्ल में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पिछले 4-5 दिन पहले काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मिस्त्रीगंज में एक मुकर्रम अली बोल के लड़का था, उनका मर्डर हुआ था। वो फैमिली के लोग कल दारुसलाम को आकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की, उनके वालिद, उनकी बीवी, उनके बच्चे। तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत किए थे फ़ोन के ऊपर और मुझे कहे थे फैमिली को लेकर जाकर कमिश्नर साहब से मुलाकात कराइए। और जिसने भी मर्डर किया है, जो लोग भी मर्डर में मुलविस है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। मैं आपके चैनलों के ज़रिए और कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हैदराबाद शहर में हर 4 दिन में, हर 3 दिन में, हर 5 दिन में मर्डर हो रहा है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 3 महीने के अंदर 4 से 5 मर्डर हो चुके हैं। मिस्त्रीगंज में एक मर्डर हुआ है, मीरालम टैंक का एक मर्डर हुआ है, आखिर साहब के मदरसे का एक मर्डर हुआ था, किशनबाग में एक मर्डर हुआ था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद 4 से 5 मर्डर हो चुके हैं। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए। जब तक पुलिस आयरन हैंड यूज़ नहीं करेंगे उन लोगों के ऊपर, ये सिलसिला चलते रहेगा। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यही कहूँगा अवाम से, आप लोग मजबूत होना चाहिए। ये जो भी कर रहे हैं मर्डर, जवान जवान बच्चों को जो मार रहे हैं, आप इन लोगों को समाजी बैकआउट करिए, अपने महलों में रहने मत दीजिए, उनके कारोबार को उस महलों से उठा दीजिए, उनके महल्ले में उनका मूवमेंट ख़त्म कर दीजिए। किस तरीके से ये चीज़ ख़त्म होती है देखिए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी जुल्म को। हम ये कोई उम्र है, 12 साल का बच्चा है, इतनी कम उम्र के अंदर ये बच्चे को यतीम किया गया है, अपने हाथों पर अपने वालिद की मौता को ले लेकर जाकर उस उस्मानिया के मार्चरी में डाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ चैनलों के ज़रिए, पुलिस कमिश्नर साहब से, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और जितना भी मजबूती से काम करिए, हम आपका साथ देंगे बराबर इंशाल्लाह ताला। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। शुक्रिया। सूदखोरी का जो मामला चल रहा है, सूदखोरी का मामला होने दीजिए, या आपसी गैंग फाइट होने दीजिए, या अपने पुराने खुसूमात निकाल कर मारने दीजिए। लफ्ज़ मर्डर बहुत बुरी चीज़ है। हम ये चाह रहे हैं ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को मजबूत होना चाहिए। पुलिस जब तक एक्शन नहीं लेगी उन लोगों के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर, उनके मूवमेंट्स के ऊपर, जब तक ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप के ज़रिए मैं ये पुलिस से कहना चाह रहा हूँ कि आप मजबूती से इस केसेस को हैंडल करिए और ये चीज़ को ख़त्म करिए। शुक्रिया।